शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी, जालपा देवी की महाराज श्री के गुरु चरणों की राधे राधे। ज्ञान यज्ञ का आज समापन दिवस है और महाराज श्री जो रसगंगा यहां पर प्रवाहित की है वो आने वाले कई वर्षों तक हमारे श्रद्धालुजन याद रखेंगे और ये निरंतर आपका स्नेह सहयोग ही है जो महाराज श्री का ये आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। समापन दिवस के पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आरती वंदन गुरु वंदन के लिए महान भावों को, वो कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। माननीय मुख्य जजमान जी, अध्यक्ष श्री धनलाल जी, श्री शंकरलाल जी विश्वकर्मा, श्री सुनील रांधेलिया जी, श्री उत्तम जैन जी, श्री सतीश जी, वंदना सरावगी जी, श्रीमती शकुंतला सरावगी जी, श्रीमती आशा सरावगी जी, श्रीमती राधा, श्री अरुण गोयल जी, श्रीमती आभा, श्री राजू अग्रवाल जी, श्रीमती मंजू अग्रवाल, इस कथा भाग जिनका मैं नाम उल्लेख किया हूं कृपया वही मंच पर तशरीफ लाएंगे। इस भागवत कथा समिति के संयोजक अग्रवाल जी के सुपुत्र मेहुल अग्रवाल और बेटिया आदित्य अग्रवाल को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए गुरु जी के श्री चरणों में अर्चन वंदन करना सहयोग प्रदान करें। मैं निवेदन करूंगा जबलपुर से पधारे हमारे शंकर मंचानी जी, शेखर राजा जी, मनीष खरे जी आ जाएं मंच पर, अब भी आ जाएं आरती के लिए और आप अपने अपने स्थान पर बैठकर ही आरती का आज आनंद प्राप्त करेंगे। अभी चलते हैं ब्याज पूजन एवं आरती बंधन की ओर। अपवित्रः पवित्रो वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं तमायाभ्यन्तरः च देवं पुण्डरीकाक्षापनादं पुण्डरीकात् पुण्डरीकाक्षातिराजम्या। ओं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमस्तो प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। ओं त्रिश्याते लक्ष्मी शब्दन्यावहोरात्रे पार्थिवे नक्षत्राणि रूपं सिनौ व्यात्तं विसृण्णिगाढा मुम्मयिगाढा सर्वलोकमयिगाढा। बृन्दारण्यै नमः, दृश्यै नमः, ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतृकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ज्ञानगम्याय नमः, सुखाय नमः, व्यासनन्दनाय नमः,
अध्याय ध्यान समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतवाणी समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि सुकरो परमबोधज्ञो सर्वशास्त्रार्थकोविद ब्रह्मा विष्णु महेशानां मूर्तिं सत्यपती सुतः सुखदेवाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्रीमद्भागवत पूजनम् श्रीमद्भागवतम् पुराण तिलकम् यद वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्तज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवणन् विपठन विचारण परो भक्त्या विमुञ्चे नरः त्रिपुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णवाङ्मये स्वरूपिणे नमः ध्यानं समर्पयामि पाद्योपाद्यमस्तर्गमुखे आत्मनियम् सर्वांगस्थानं जलं समर्पयामि पुष्पं सुमाल्यं परिधापयामि धूपं दीपं समर्पयामि धूपदीपान्ते हस्तो प्रक्षालनं नैवेद्यं पुरतो निधाय ओम नाभ्याय चेदंतर्जगुं शेषनोद्योः तमवर्तदाब्ध्याम् ओमृतः श्रोत्रादा लोकान कल्पयन्नमृत नैवेद्यम निवेदयामि एलालंगारि साद्दुण्यार्थे द्रवदक्ष्यां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव त्रिपुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवै नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहोरपरो हरि अबाललोचनाचम्भोर भगवान् बादरायणि गुरोर्ब्रह्म गुरोर्विष्णु गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ओम चंद्रमा मनसो जात शक्रो चोर्जो अजात श्रोत्राद्वायस प्राण सम्मुखाद अग्निराजायत। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, श्रद्धा और भाव के साथ भागवत भगवान की आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पापियों को पाप से है तारती। श्री
आरोग्यार्थे आत्मा चिबंधनम ओम द्यो हो जान्तिरन्तरजुगुञ्जान्तिः पृथिवी जान्तिरापः जान्तिरोगदया जान्तिः वनस्पतयः जान्तिर्विश्वे देवाः जान्तिर्ब्रह्म जान्ति दर्वगुञ्जान्तिः जान्तिरेव जान्ति सामाञ्जलिम् ओम जज्ञे नग्नमयजन्तदे देहनाकं महिमानः तदन्तजत्र पूर्वे साध्याः जान्ति देवाः एकदन्ताय ब्रह्महे वक्तुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नारायणाय ब्रह्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुवदने च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलजं पगपाटमलब्जे पुन्नागजातिकरवे दरदादपुष्पे वेल्लप्रवालतुलजे दलमञ्जरेवे त्वां पूजयामि जगदे नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्रिपुराणि पुरुषोत्तमाय नमः मुलवृंदावन विहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय 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 श्री राधे। सभी भक्त आरती वंदन करके कृपया अपने स्थान पर रहते हुए जो मैं कह रहा था वो ये कि कल बहुत भव्य दिव्य भंडारा का आयोजन किया करता हूं कटनी की तरफ से। आप स्वागत करें कि हमारे कटनी शहर में ऐसे कलेक्टर हैं, हमारे कटनी शहर में ऐसे पुलिस अधीक्षक हैं जो बेहद संवेदनशील हैं और धर्म के प्रति जिनका लगाव बहुत अधिक मात्रा में है। उनका सहयोग निरंतर 7 दिनों से पूज्य मां यहां पर आ रही हैं और महाराज श्री के श्री वचनों को पूरे समय तक यहां पर रह के सुनती हैं। मैं महाराज श्री उनका अभिनंदन कर रहे हैं, एक बार पुनः आप तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। कलेक्टर श्री एके सिंह साहब की माता श्री, और इसी तरह सद्भावना बनी रहे, मातृशक्ति को एक बार पुनः कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने व्यवस्था को बना के रखा है और निरंतर व्यवस्था बनी रहेगी ये हमें पूरा विश्वास है। 4 पंक्तियां जो मैं कहना चाह रहा था कि धर्म के दीप को राहों पर जलाए रखिए, महाराज श्री के श्री चरणों में पंक्तियां हैं और उनके सम्मान में सिर्फ आपकी तालियां अंत में बजेंगी कि धर्म के दीप को राहों में जलाए रखिए, अपनों को गैरों को सीने से लगाए रखिए और आपकी बख्शी हुई हर चीज है गवारा मुझको, शर्त यह है कटनी को सदा अपना बनाए रखिए। राधे राधे। और अंत में चूंकि मेरा निरंतर यहां 7 दिन तक, मैं निवेदन करूंगा हमारे विश्व शांति सेवा समिति के अध्यक्ष श्री शंकर मंचानी जी जो जबलपुर से पधारे हैं, जबलपुर के अध्यक्ष हैं और पिछले 5-6 महीने पहले कार्यक्रम हुआ था और इस बार भी दिसंबर में 6 दिसंबर से 13 दिसंबर श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन हमारी विश्व शांति सेवा समिति के द्वारा किया जाना है। अध्यक्ष शंकर मंचानी जी, श्री मनीष खरे जी, श्री शेखर राजा जी और श्री सेवक राम जी, श्री राजू गोस्वामी जी जो हमारी पूरी समिति यहाँ पर आई हुई है, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। और यहाँ पर जिस प्रकार आप सभी सादर आमंत्रित हैं, 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन जबलपुर में किया जा रहा है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कुछ विशेष सूचना सर, विगत 7 दिनों से आप सबके स्नेह से मुझे ये कार्यक्रम करने का प्रथम का जो संचालन कार्य मिला है इसके लिए मैं समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महाराज श्री से अभी तक आशीर्वाद इस मंच से मुझे भरपूर मिला है। मैं एक बहुत छोटा सा कवि हूं, मेरी 3 पुस्तकें महाराज श्री के चरणों में भेंट कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं वैसे 9 पुस्तकें महाराज श्री की कृपा से आ चुकी हैं, लेकिन ये 3 पुस्तकें महाराज श्री के चरणों में भेंट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। राधे राधे। 11 तारीख से प्रारंभ होकर आज इस समापन दिवस की ओर हम चल रहे हैं, तो हम सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार इस आनंद की वर्षा आप सभी के बीच में हुई है पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से, ये आनंद जब तक दोबारा आयोजन न हो तब तक ये बना रहे। राधे राधे की गुंजायमाल जो हो रही है वो होती रहे, प्रत्येक दिन होती रहे, ऐसा ना हो कि कहीं ये 7 दिन तक ही रह जाए। तो निवेदन करूंगा जो आपको यहाँ पर कुछ भी प्राप्त हुआ है वो आपको आनंद मिलता रहे। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य यजमान श्री शास्त्री जी के
और धार्मिक कार्य करते हैं, चैरिटी के कार्य करते हैं, तो आप जैसे भक्त जब ऐसी बड़ी संस्थाओं को सहयोग करते हैं, जिस प्रकार 2006 से विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन किया गया पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता में, और आज 6 साल में ही आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में इतना सहयोग करके आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि पूरा विश्व विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को जानता है। तो हम सभी भक्त प्रेमियों के सहयोग से, जिन जिन भक्तों ने सहयोग दिया है, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे वो लाखों रुपए का हो, मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ 29 जून को, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही ये कार्य हो पाया है, ये कार्य होने जा रहा है। तो निवेदन करूँगा, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आप सभी से बार बार निवेदन करते हुए कि हम सभी चलें उस कथाक्रम की ओर, जिस कथाक्रम को हम श्रवण करने के लिए ललायते हैं बहुत समय से। तो हम सभी भक्त प्रेमी, आज इस कार्यक्रम को समापन दिवस किया जा रहा है, समापन दिवस मनाया जा रहा है, तो हम सीधे चलते हैं भागवत कथा की ओर, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों की ओर। एक बार सभी हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ के प्रणाम करें भागवत जी और पूज्य महाराज श्री को। बोले भागवत महापुराण की, बोले व्यास जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निम्बार्काचार्य नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्मादिशयतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञसुराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वार्यमृदां यदा विनमयो यत्र सर्गो वर्षं धामरासेन सदा निरस्तभोगं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवं सुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराधा मेरी स्वामिनी, मै राधे तेरुदास, जनम जनम मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ गए मैं आयो तुम्हारे द्वार, अवृषवान विलाडली ने कमेरी ओर निहार। वर्षाने की राधिकानंद काम के श्याम, इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णम नारायणम वंदे कृष्ण वंदे प्रजाप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्ण वंदे प्रदासुदम। सभी आप लोग अपने अपने आराध्य का हाथ जोड़ेंगे और अपने अपने आराध्य को हाथ जोड़कर नित्य की तरह विश्व शांति का पाठ करें, और उसके बाद हम और आप सभी आज के भागवत कथाक्रम को बढ़ाएंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखा, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के बड़बड़ाए, सब भद्र भाव देखे, सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। Thank you.
क्या रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न को। श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज के चरणों प्रणाम। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुर समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए जनता जनार्दन, सियाराम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सभी को प्यार भरा राधे राधे। आइए हम और आप सभी प्रेम से भगवान की स्तुति करें और राधा रानी से प्रार्थना करें। हे राधे, बहुत समय बीत गया है, अब तो अपने कर कमल हमारे सर पे रख दो, जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। सभी मिलकर गाएंगे। मेरे सर पे हाथ रख दो राधा रानी, 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 राधा रानी। Thank you.
का वास दे दो राधा रानी।
का प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ हत्या गौ माता की गौ माता की विश्व में विश्व में विश्व में ओ शांति ही शांति ही शांति ही। आइए हम और आप सभी प्रेम से भगवत और भगवत आराधना पिछले 7 दिन से हम लोग आप सभी भगवान की कथा में मन लगा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या मिला है और क्या नहीं मिला, आपको क्या लगा क्या नहीं लगा। मेरा काम था आपको भगवान की कथा सुनाना, आपका काम था उस कथा में से कुछ चुन लेना। जैसे हंस जाते हैं ना, कुछ हंस जाते हैं जल मिक्स कर दो तो हंस जो होता है वो दूध को अलग कर देता है, जल को अलग कर देता है, और दूध का पान करता है, जल को छोड़ देता है। वैसे ही जो श्रोतागण, जो समझदार श्रोता होते हैं, जो हंस की तरह होते हैं, वो अपने मतलब की बात चुन लेते हैं, जिससे उनका मन कृष्ण में लगे, धर्म में लगे। वो ऐसी बात नहीं चुनते हैं, कई बातें ऐसी भी हैं जो कथा तो कंस की भी होती है, बीच में रावण की भी होती है, दुष्टों की भी होती है, दुष्टों ने क्या किया ये भी बताया जाता है, लेकिन हम अपने मतलब की बात, मेरा मन परमात्मा में लगे उस मतलब का, वो जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हमें जीवन में उतार लेना चाहिए। सिर्फ कथावाचक कथावाचक ही न रह जाए, सिर्फ श्रोता श्रोता ही न रह जाए। यहां जो आप बैठे हो ना, ये बहुत शुभ दिन है मेरे भाई। पवित्र समय शुभ दिन, जिस पवित्र दिन में स्मरण है तो परमात्मा का पवित्र समय है। क्यों? क्योंकि हम यहां बैठकर भी बुरा चाहे सोच लें पर कर नहीं सकते। हम बुरा सोच तो सकते हैं पर कर नहीं सकते। बुरा करने के लिए मुझे पंडाल से बाहर जाना पड़ेगा, और जब तक मैं यहां बैठा हूं तब तक मैं बुराई से दूर हूं। कितनी बड़ी विशेषता है इस समय में, इस कथा में। बड़े से बड़ा पापिष्ट व्यक्ति भी अगर थोड़ी देर कथा में बैठ जाए तो उसका भी मन डामाडोल होने लग जाता है, ये अगर सच है तो मैं गलत हूं। बड़े से बड़ा पापिष्ट व्यक्ति भी जो लाख कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब वो कथा में बैठ जाता है तो उसका भी मन डामाडोल हो जाता है कि न मानू तो वो अलग बात तो है, मुझे मेरे कर्मों की सजा तो मिलेगी। उसका मन उसके लिए तैयार हो जाता है, हिलने लग जाता है। तो ये बोध कराती है भागवत, ये समर्पण कराती है भागवत। आप सबको बहुत आनंद के साथ बताने में आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज भागवत का संपूर्ण दिन है और आपको आज 7ों दिन की कथा का लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो कथा पंडाल में बैठे हैं। भगवान तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। कुछ ये कम से कम अपने घर से निकलकर भगवान के कथा पंडाल में पहुंच जाना चाहिए। अब कोई लोग ये ना समझे कि यहाँ लोग कम है, यहाँ लोगों को बैठने की जगह नहीं है, इतने लोग हैं यहाँ। पता नहीं कोई कार्यकर्ता बता रहा था तो एक बुढ़िया माँ आई, उसने कार्यकर्ता का कुर्ता खींच लिया, अरे जब तुम्हारे पास जगह नहीं थी तो देवकी नंदन को बुलाया ही क्यों।
कितना समर्पण है। नहीं थी जगह तो देवकी नंदन को क्यों बुलाया है, कितना प्यार है, कितना माँ का। और मैं कहूँगा कि यहाँ माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटियाँ भी हैं, अर्थात बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। और ये देवकी नंदन का सौभाग्य है कि तीनों पीढ़ियाँ इस शरीर को सुनने के लिए तैयार बैठी हैं। है और मैं विशेष तरह से सौभाग्य करूंगा अपने छोटे मोटे प्यारे से बच्चों का कि जिन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास रहता है कि हाँ हम, और इनका शुक्रिया अदा इनके माँ बाप का जो कम से कम इनको आने देते हैं या लेके आते हैं। फिर धन्यवाद दूंगा हमारे नौजवानों का जिनको कहीं ना कहीं शुरुआत में यह समझा दिया गया था कि कथा सुनना बुढ़ापे का काम है, जवानी का काम नहीं। ये पता नहीं किसने गलत मैसेज दे दिया, पता नहीं वो लोग कौन थे जिन्होंने ये मैसेज दे दिया कि भगवान की कथा बुढ़ापे में ही सुनो। कितना गलत मैसेज है। हमारे यहां तो भगवान की कथा घर में ही सुन ली जाती है। प्रहलाद ने मां के घर में ही कथा को सुन लिया था, उसका कौन सा बुढ़ापा था। जितने दिन बाद तुमने कथा सुनी उतना समय तुमने वेस्ट कर दिया, अपने जिंदगी का व्यर्थ कर दिया। क्यों? कथा हमें बताती है कि तू किधर जा रहा है, कहां से आ रहा है। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे, 5 याद हैं? निकाली 5 मिनट अपने लिए कि नहीं? नहीं सोचा होगा। किस किसने सोचा बोलो, हाथ उठा के बताओ जो मैंने पूछा था। देख कितने हाथ उठे। सबके लिए समय है तुम्हारे पास, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। ये आत्मा भी कहीं ना कहीं धिक्कारेगी कि मैं किसके चक्कर में पड़ गई। अपने लिए समय नहीं, 5 मिनट ओनली, 5 मिनट्स अपनी जिंदगी के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। क्या ठीक है, अब आपकी मर्जी है। मैं तो आज और थोड़ा सा समय पूरा कर लूं अपना, फिर भैया जो चाहे करना राम। मेरी तो कथा जो है अब हो जाएगी पूरी थोड़ी देर बाद, तो मैं तो ये गया और वो गया। लेकिन मैं इसलिए कथा नहीं करता कि समय पूरा हो जाए, मैं इसलिए भी कथा करता हूं किसी का लक्ष्य पूरा हो जाए। मैं इसलिए कथा कहता हूं कि किसी का लक्ष्य पूरा हो जाए। और फिर से याद कर लेना, कल नहीं दे सके हो तो आज रात को जाके 5 मिनट दे देना। और मुझे पता है जब तक 7 बजेंगे, जब तक रात होगी, फिर भूल जाओगे। चलो जो अच्छा लगे सो करना, लेकिन एक बात जीवन भर याद रखना कि तुम्हारा अगर कोई है तो मेरा गोविंद है। जो कहता है जब तक तू मर न जाए तब तक भी अगर तू कह देगा कि हे गोविंद मैं तेरा हूं, तो चिंता मत करना, मैं तुझसे रिश्ता निभाने में देर नहीं करूंगा। अंतिम समय पर भी अगर बोलेगा तो मैं रिश्ता निभा के छोड़ूंगा तेरे साथ। अब बहुत से लोगों ने तैयारी कर ली होगी, मरने से पहले कह देंगे, जिंदगी भर जी के क्या, मतलब कथा सुन के क्या करेंगे। लेकिन एक बात भी याद रखना, बुढ़ापे में निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा। अभी तो जवानी है, जीभ वही बोलेगी जो बुलवाओगे, कान वही सुनेंगे जो आप सुनवाओगे। लेकिन बुढ़ापे में कान वो नहीं सुनते जो आप सुनवाते हो, कोई सुनाने वाला कुछ और सुनाता है और कान कुछ और सुन लेते हैं। आंखें जो दिखाना चाहते हैं वो कम देखती हैं, कुछ और देख लेती हैं। जिभ्या बोलना कुछ और चाहती है, फूंक निकल जाती है, कुछ और निकल जाता है। अभी इंद्रियां तुम्हारे बस में हैं, जो चाहोगे सो करो। लेकिन बुढ़ापे में तुम ये इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, फिर ये अपना काम करना, जैसे गाड़ियां नहीं, गाड़ी पुरानी गाड़ी हो जाए तो क्या दशा होती है उसकी बताओ? बैटरी डाउन हो जाती, सेल्फ खराब हो जाता है उसका, स्टार्ट करो स्टार्ट नहीं होती, धक्के मारो धक्के से भी वो बेचारी कई बार है
ढक्के मारने वाले स्टार्ट हो जाते पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इतनी दुर्दशा हो जाती है। तो बुढ़ापे में जैसे गाड़ी का बुढ़ापा खराब है ना, वैसे इंसान का भी बुढ़ापा खराब है। अगर बुढ़ापे को भी आनंददायक बनाना है तो बचपन को और जवानी को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो, फिर देखो तेरे बुढ़ापे का क्या आनंद आता है। बुढ़ापे में भी महफिलें सजती रहेंगी प्यारे। जो कथाकार होते हैं, जो प्रवचनकार होते हैं, जो आनंद जो, उनकी बुढ़ापे में भी उतनी लाइन लगी है। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्होंने वही सींचा है। और हमारे बुढ़ापे में बेटा बेटी भी साइड तो छोड़ो, ये तो लाख बार बता चुका हूं आपको, लेकिन एक बात याद रखना, गोविंद तुम्हारा है। जब भी तुम उससे कह दोगे हे गोविंद मैं तुम्हारा हूं, तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेगा। लेकिन तुम सोचो कि तुम्हें कब कहना है कि हे गोविंद मैं तुम्हारा हूं। वो दिन, वो वक्त, वो पल कब आएंगे जब तुम्हारे मुंह से निकलेगा हे गोविंद मैं तुम्हारा हूं। काश वो दिन जल्दी आए, वो पल जल्दी आए। मैं कल वृद्धाश्रम में गया, हमारी माता जी हमको लेकर गई। आइए बैठिए। नहीं नहीं बस कह रहा हूं। और माता जी ने अपने पति की पुण्य स्मृति में वो बनाया है और उनकी जनमानस की सेवा कर रहे हैं। मुझे एक बात और बताई माता जी ने कि मैंने अपने लिए भी रूम यहां बनवा रखा है। मैं उनको इसलिए नहीं रख रही हूं क्योंकि मैं उनकी सेवा करूं और मैं खुद वहां रहूं। मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रही हूं, तैयारियां कर रही हूं कि मुझे किसी की सेवा की जरूरत ना पड़े, मैं यहां रहकर ही अपना भगवान का भजन करूं। आप लोगों ने पेपर में मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा, मैंने वहां जाके कुछ कहा था। अब आप लोगों पे कहां फुर्सत है पेपर पढ़ने की, आप बड़े लोग बिजी लोग हैं। चलो मैं अपना स्टेटमेंट दोहरा देता हूं। वृद्ध आश्रम जिसको हम लोग कह रहे हैं, एक्चुअली वो वृद्ध आश्रम नहीं, वो वानप्रस्थ आश्रम है। कौन सा आश्रम? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है जब तुम्हारे बेटे जवान हो जाएं, बेटियां जवान हो जाएं, उनकी शादी हो जाए, तो अपनी मर्जी से घर छोड़कर उस आश्रम में जाओ और बचे हुए शेष जीवन काल का भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और अपने मानव होने का उसका लाभ उठाओ, मानव योनि का लाभ उठाओ और भगवान का भजन करो। ये हमारी ऋषियों की परंपरा है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने यह किया है, बड़े बड़े राजा महाराज इतिहास था, यही परंपरा भी थी। आजकल किसी से कह दो तो मजाक लगता है। आजकल वृद्धाश्रम में वो जाते हैं जो मजबूर हैं, जिनके बच्चे उन्हें डांट दें, फटकार दें, सेवा न करें या उनका छीन लें या उनका सम्मान न करें। तो मजबूरी में वृद्धाश्रम जाओगे तो वो वृद्धाश्रम ही रहेगा, लेकिन जब तुम मर्जी से वृद्धाश्रम जाओगे तो वो वानप्रस्थ आश्रम हो जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मर्जी बना लो, मजबूरी नहीं। तुम्हारे आप लोगों से मांग मांग के सही, लेकिन तैयारी कर ली है। अपने जीवन का लक्ष्य याद रखना चाहिए, फिर पछताए हो तका जब चिड़िया चूक गई खेत। उस समय क्या होगा जब सिर्फ सोच के परेशान, अरे भाई हम तो मर गए कुछ कर नहीं पाए। अरे कुछ कर नहीं पाए ये किया किसने? तूने? पड़ोसी ने तेरे से जबरदस्ती करवाई क्या? लेकिन इंसान है बहुत माइंडेड बनता है, कुछ समझता नहीं। तो मैं माता जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो कल हमें वहां लेके गई और वो बड़ा आनंद आया, वो दर्शन किया। और मैं खुद भी ऐसा वानप्रस्थ आश्रम बनाने की योजना में हूं, बना रहा हूं। और जिन जिन को भजन करने का मन हो तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देके, अपनी आत्मा का सत्य का साथ लेके, टेंशन हो गई आपको, प्रॉपर्टी का नाम आते ही इंसान हिल जाता है, क्या बात करते हैं।
अरे अपनी पॉवर्टी अपने बच्चों को देखे, उनको खुशी करके आनंद में रखे उनको, और अपने साथ सत्य लेकर पधारे, भगवान का भजन करने की योजना बनाएं, और जैसा भी हो सके करें। तो स्वीकार मन से हो, मर्जी हो, मजबूरी ना हो। तो जैसा कि मैंने कल आपको कहा था, आज भागवत सुनने से सातों दिन का लाभ मिलेगा। तो आइए कथाक्रम को प्रारंभ करें और आप समझ लें। आज मैं कम समय दूंगा आपको, बहुत कम समय, और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जितना भी समय आपको मिले ठाकुर की मर्जी समझकर उसको स्वीकार करना। बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहे तवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। जैसा कि कल आपने सुना, सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान होकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। राजा ध्यान पूर्वक देखिए, हमें प्यास भूख बहुत सताती है, कई लोगों को ये भूख छोड़ती नहीं है, ये प्यास छोड़ती नहीं है, हर स्थिति में ये प्यास ये भूख सताती है जीव को। सर्दी में भी पानी चाहिए, रोटी चाहिए, गर्मी में भी पानी चाहिए, रोटी चाहिए। आजकल तो ये हो गया है कि लोग मर भी जाते हैं, उसके लोग उसके दुख में रोने जाते हैं तो वहां भी चाय पी के आते हैं। जिसके घर में मृत्यु हो गई है, कम से कम 12-13 दिन उसके घर का जल भी नहीं पीना चाहिए, और हम उसी दिन उसके घर में चाय पी कर आते हैं। बुद्धि मलिन न हो तो क्या हो, विचार मलिन न हो तो क्या हो। अरे साहब चाय की तो बात छोड़िए, आजकल तो खाना भी शुरू हो गया है। दूर से आएंगे महाराज रिश्तेदार तो क्या करेंगे, ना में रोने बताओ, जरूरी रोना। जब तक उसकी पूर्णतः विदाई ना हो जाए तब तक उस घर का जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ, उस घर वालों की तो, हमारे यहां तो ये परंपरा है कि उस घर वालों के लिए भी पड़ोसी के यहां से या कहीं से भी बन के आता है 12-13 दिन तक, ये रूटीन चलता है। तो भूख प्यास हमें वहां भी लगती है, दुख में भी शरीक हो तो वह भी यहां भूख प्यास। लेकिन एक वक्त आपको न भूख लगती है न प्यास, जब कोई बहुत बड़ा दुख आपके ऊपर आ पड़े, जब आपका बहुत प्यारा कोई आपसे दूर चला जाए, उस देर के लिए भूख प्यास शांत हो जाती है। या फिर आप जो चाहते हैं अचानक आपको वो मिल जाए तो आपकी भूख प्यास समाप्त हो जाती है, फिर नहीं लगती। जैसे देवियां सीरियल देखने का समय होता है तो अपने साथ साथ पूरे घर वालों की भूख प्यास विदा कर देती है, इतने बजे से इतने बजे तक, डोंट डिस्टर्ब मी, हिलना मत। और अगर ऐसा हो तो कई देवियां तो बना के रख देती हैं, ले खाली है, सीरियल से इतना प्रेम है, उस बीच में जब ऐड आ जाते तो उसी समय कुछ करना है, बीच में उस हिलना नहीं है। आप हंस रही हैं, मतलब आपकी मर्जी, मतलब मैं जो कह रहा हूं उसमें आपकी सहमति है और मुझे मालूम है कि यह सच है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उस सीरियल में आपको भूख प्यास नहीं लगती, आपका मन इतना रम जाता है क्योंकि वो मनोरंजन है। लेकिन आप यहां कथा में बैठे रहते हो तो कई लोग तो अपनी लंबी लंबी बोतल साथ में लाते हैं और यूं टक खत्म पूरा, क्यों, यहां आपको कैसे भूख प्यास लग जाती है। आज सातवां दिन है, देख लिया आपने, मैंने शुरुआत में कहा था आपसे, आपने मुझे कभी बीच में पानी पीते देखा, क्यों,
मुझे प्यास नहीं लगती, बोल तो मैं रहा हूं, मेहनत तो मैं कर रहा हूं, गर्मी मेरे तुम्हारे तो फिर भी नीचे है, मैं तो और उस हाइट पे बैठा हूं तो धूप तो मुझे ज्यादा लग रही है, फिर मुझे प्यास क्यों नहीं लग रही? नहीं, हंसो मत, हंस के मत टालो, इसको बताओ मुझे है? एसी है, यहां आके बैठ के देखो ये एसी कितना मुझे अच्छा सुख पहुंचा रहा, बैठ के देख लेना जब मैं कथा पूरी कर दूं तो। और कई जगह ऐसी भी होती हैं जहां एसी नहीं होते, नहीं होते, और आपने शायद टीवी पे वो देखे भी होंगे कि कई जगह एसी नहीं हो, चलो यहां तो है। और ये अभी एसी तो अभी से शुरू हुए हैं, कोई एक डेढ़ साल से, पहले नहीं होते थे। तो जब कहते ना महाराज बड़ा हो जाए तो व्यवस्था बढ़ा दो, वो सिस्टम है और कुछ नहीं। लेकिन मुझे एसी की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी, और जहां नहीं होते वहां भी क्यों नहीं लगती भूख प्यास है? क्या होगी, आदत हो गई है? मैं ये कहता हूं जब मेरी आदत हो गई तो तुम्हारी आदत क्यों नहीं हुई आज तक कि चलो जब हम बैठेंगे तो हम भी नहीं पिएंगे, हम भी कुछ नहीं खाएंगे, तुम भी ऐसी अपनी आदत बना लो। मान लिया आदत है और अच्छी बात है, अच्छी आदत तो रखनी चाहिए, मैं कहता हूं आदत ही समझो, आदत तो है ना, आप भी रखो। नहीं नहीं, कोई शक्ति थर्ड आई नहीं है यहां, या कोई शक्ति नहीं है यहां, तो सिर्फ शक्ति परमात्मा की ही है और वही शक्ति देता है। जो भी है, मेरा अभिप्राय यह है, मैं आपको एक साधारण सी बात बता दूं, जब आपका दिल ज्वाइंट हो जाएगा तो न भूख लगेगी न प्यास, और जब तक आप दिल से नहीं सिर्फ तन से बैठे रहेंगे तब तक आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और दुनिया की हर चीज आपको सताएगी। आप बातें भी तभी करते हो क्योंकि आपका दिल नहीं है यहां, इसलिए आप बातें करते हो क्योंकि आपका दिल नहीं है। जिस श्रोता का दिल होता है उसके मुंह से तो राधे राधे के सिवाय कुछ निकलता नहीं पूरे चार घंटे, मेरा अनुभव है, मेरे सामने श्रोता बैठते हैं, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो यूं भी नहीं करते, सीधे यूं बैठे रहते हैं, सिर्फ यूं स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि उनका मन लगा है भागवत कथा में। राजा परीक्षित का मन लग गया था क्योंकि राजा को मालूम था मेरी सातवें दिन मौत है, अभी हमें पता है कि अभी तो हम पता नहीं कब तक जिएंगे, इसलिए हमारा मन नहीं लग रहा है। बहुत कम लोगों का मन लगता है, कथा में आनंद आ रहा है, आ रहे अच्छा है, लेकिन मन समर्पित हो जाए भगवान के चरणों में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुखदेव जी कथा सुना रहे और आज सातवा दिन है, राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न है। कल आपने कथा सुनी, भगवान कृष्ण भगवान का विवाह हुआ, रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ, रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न। आठ विवाह ठाकुर जी ने अलग अलग किए, 16,100 विवाह श्री कृष्ण ने एक साथ किए। बहुत से लोग यहां पर भी शंका करते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, क्योंकि वो भगवान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। 16,108 विवाह की तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग एक पत्नी को भी पूरे जीवन भर खुश नहीं रख पाते हैं। हमारी एक पत्नी हमसे न जाने कितनी शिकायत रखती, या कोई भी पत्नी यह नहीं कह सकती कि मेरे पति से मुझे पूरे जीवन कोई शिकायत नहीं रही। जिसके 50 साल हो गए वो, और जिसके 5 साल हो गए वो, हर पत्नी को अपने पति से शिकायत है और हर पति को अपनी पत्नी से कोई ना कोई शिकायत है। वैसे तो महाराज बहुत अच्छा है मेरा पति, पर गुस्सा बहुत करता है। वैसे तो महाराज कमाता बहुत है, पर महाराज मुझे नहीं देता, अपनी मां को दे देता है सारा। महाराज वैसे तो बहुत बढ़िया है, मुझे ही लाके देता है, क्रोध भी नहीं करता है बहुत, पर लेट बहुत आता है। एक शिकायत आपको जरूर होगी, है या नहीं बोलो? जो नहीं हुई अभी पत्नियां उनको क्या पता होगा, जो नहीं बने अभी पति उनको क्या पता होगा, अब हम तो बन गए तो हमें तो पता है। क्यों मुस्कुरा रहे हो? हम कोई आकाश से उतरे, हम भी वहीं से आए। हमारी देवी जी को भी समस्या रहती होगी कि ये बाहर ही रहता है। जब देखो जब कथा कथा, अरे कभी तो घर में रहा करो,
कई देवियां हमारे संगीतकारों की तो कहती हैं, या तो ये काम छोड़ दे, ये बाबा के साथ में तू भी बाबा हो जाएगा। कई नोटिस दे रखे हैं कईयों को, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हर किसी को जहां में मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। हर चीज हर किसी के नसीब नहीं होती है, किसी को कुछ मिलता है और किसी के कुछ मिलता है। सब चीज आपको नहीं मिल सकती, लेकिन जो मिले उसका सदुपयोग करिए। मेरे भगवान के 16108 थी, फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की पूरे जीवन भर। क्यों? क्योंकि शिकायत उन्हें होती हैं जो स्वार्थी होते हैं। जिन्हें अपने लिए कुछ चाहिए उन्हें शिकायत होती है, जो परमार्थी होते हैं उन्हें कोई शिकायत नहीं है, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। भागवत में ये कथा आती है, जिस समय कर्दम मुनि का विवाह देवउती जी के साथ में हुआ, तो विवाह करते ही वो तो समाधि में बैठ गए। ऋषि थे, उनका तो स्वभाव था तपस्या करना, वो उस तपस्या में बैठ गए। और जानते हो, महलों में रहने वाली राजकुमारी बेचारी ऋषि की पत्नी बनकर आई, और वो तपस्या तो जन कितनी लंबी चलेगी, वो तो बैठ गए। हर दिन हर पल वो समाधि में बैठे, उसके बावजूद भी पल पल अपने पति के चरणों का ही ध्यान उस देवभूति ने रखा। कई साल जब निकल गए, तब जाके कर्दम मुनि के नेत्र खुले, समाधि खुली, तो देखा वो राजकुमारी जो महलों से जब मेरे पास आई थी तो बड़ी सुंदर थी, कोमल थी, ऐसा लगता था कि स्पर्श भी कर दो तो उनके तन को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा। आज वही सुंदर कोमल तन कुमल आ गया है, कुछ नहीं बचा, सुंदरता गायब हो चुकी है, ऐसा लगता है झरझर शरीर हो रहा है, बुढ़ापा नजदीक है। कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हुए अपनी पत्नी की तब इस सेवा से, बड़े प्रसन्न हुए। तब जाके कहा, जाओ तुम सामने सरोवर में स्नान करो। और जब वो सरोवर में स्नान करने गई तो वहां कर्दम मुनि की कृपा से, उनकी तपस्या के प्रभाव से, उनको वही यौवन पुनः प्राप्त हो गया, वही लावण्य पुनः प्राप्त हो गया, वही स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। उनको तो कोई शिकायत नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो परमार्थी थी। आज की लड़की कोई शादी करके जाए और पति लेके माला बैठ जाए कि 10 दिन हम होते बोलियो मत, पत्नी कहेगी सुन पहले सिग्नेचर कर फिर बैठियो, सिग्नेचर कर दे फिर बैठे रहियो आराम से, क्या मतलब? बोले मेरे बाप ने तो जितना दहेज दिया इसलिए दिया था कि मैं जब ब्याह के लाएगा तो तू बैठ जाइए समाधि में। एक पति मेरे पास आया, महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा क्यों दुखी है? बोले महाराज मेरी पत्नी कहती है इस बाबा की कथा मत सुना कर, मतलब मेरी। मैंने कहा क्यों? बोली ये ऐसी बात सुनाता है घर छोड़ के लोग चले जाते हैं। मैंने कहा तो तू मेरी कथा मत सुना कर, छोड़ दे। बोले नहीं महाराज, मुझे तो आप ही की कथा बहुत अच्छी लगती है, आप ही से मैंने कथा सुनना शुरू किया है। तो अब तो भाई तेरे को बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो तू बाबा को छोड़ दे, या अब बाबा को छोड़ दे, ये आसान है, और किसी को छोड़े वो तो आसान नहीं है। फिर उसकी पत्नी आई, हमने समझाया, मैंने कहा ऐसा नहीं, तुम्हारा भाग्य है कि कोई भगवान की कथा सुनने वाला पति मिला है, अगर कोई तुम्हें दूसरे तरीके का पति मिल जाता तो तुम्हें उससे भी शिकायत होती। हर उस कन्या को खुश नसीब होना चाहिए जिसका पति परमात्मा के चरणों में आसक्त रहता हो, वो सौभाग्यशाली। पहले यही ढूंढा करते थे कि लड़का भाई कितना साल तपस्या किया है, लड़के देखने जाते थे पहले तो, ये कितने साल तपस्या किया है, कितना भजन करता है, कितना पाठ करता है, कौन कौन सा पाठ करता है। और आजकल क्या देखते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन कितना कमाता है, पहला क्वेश्चन क्या है? प्लीज आप बोले ना, मेरे हमें देखने आए तो हमसे किसी ने पूछा ही नहीं कितना कमाता है, उनको पता था ये कुछ कमाएगा ही नहीं जिंदगी भर,
ऐसा ही रहेगा। पहला क्वेश्चन, कितना कमाता है। दूसरा कहता है 50,000 तो सरकार की तरफ से मिलते हैं और 50,000 ऊपर से डाल लेता है, पूरा एक पड़ता है महीने का। अब 50,000 कहां से आते हैं आप समझ गए ना। और हम खुशी खुशी अपने उस दलाल को अपनी बेटी देकर आ जाते हैं, उस रिश्वतखोर को अपनी बेटी देकर आ जाते हैं सिर्फ पैसे के चक्कर। जिसका बाप रिश्वत लेता हो उसकी औलाद कैसी होगी जरा बताइए आप। जिसका बाप रिश्वत लेता हो औलाद अच्छी होगी, बोलिए। फिर ऊपर वाले को क्यों देते हो, ऊपर पेड़ लटक रहा है क्या, झाड़ लेता है रोज 50,000 रुपए, भगवान ने तेरी छत पे लगाया, झूठे। और फिर भी खुशी खुशी तिलक कराए। हे माँ बाप बन सके हो तो बन रहो, तो एक बात ध्यान रख रहे जीवन भर, चाहे अपनी बेटी को गरीब घर में देना, लेकिन उस घर में देना जहां ईमानदारी से कमाया जाता हो, तो तेरी बेटी का भी भाग्य बन जाएगा और आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य बन जाएगा। जो ईमानदारी से कमाता हो उस घर में जाके देना। अरे आ गया, आ गया, आ गया। मैं एक पत्र लेकर आया हूं, एक बाबा ने मुझे पत्र लिखा, बहुत अच्छा अच्छा लिखा। अब मैं भाई जितने भी पैसे वाले बैठे बुरा मत मानना तुम्हें, देखो बुरा मैंने नहीं, ये बाबा ने पत्र लिखा था, वो यहीं बैठे होंगे कहीं बीच में। उन्होंने लिखा, महाराज जी क्या धन की सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए कि कितना धन चाहिए हमें। ध्यान से सुनना, क्या धन की सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए, क्या धन वालों ने ही विकास का ठेका ले रखा है, क्या यह शोषण नहीं है, क्या बिना ब्रेक के कोई वाहन चल सकता है, क्या जीवन का वाहन लक्ष्मी है, यदि हां तो फिर क्या बिना ब्रेक के अर्थात बिना धन के सीमा के जीवन सुरक्षित रह सकता है। ब्राह्मण के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए। अरे भाई तू हमें ही देख रहा है यार, और कुछ वैश्य कर्म दोबारा कितने प्रतिज्ञावान समक्ष लेना चाहिए, क्या एक रुपए का लाभ 100 रुपए किया जाना उचित है, क्या किसी की मजबूरी का लाभ लेना अधर्म नहीं है, क्या संतों को दोबारा समझ में नहीं आ रहा, कुछ अच्छा ही लिख दिया है, मोबाइल नंबर भी दिया, बात कर लेना उनसे, नहीं जिस जिसको चाहिए नंबर बात कर लेना। तो ये जो कुछ विषय है, वाकई एक सीमा होनी चाहिए। खाना तो हम लोगों को रोटी है, अच्छा है। ब्राह्मणों के पास कितना धन होना चाहिए, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हर ब्राह्मण जो धर्म का कार्य करता है उनकी इच्छा, उनकी बैंकों में पैसा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण की बातों को सुनने वाले लोग उनके सुंदर विचारों को अपने धन के द्वारा अगर दर्शन करा दे तो ब्राह्मण को 1 रुपए की जरूरत नहीं है। बस चाहिए कि आप लोग ये सोच ले कि ब्राह्मण के बच्चे भी पढ़ने चाहिए, ब्राह्मण के बच्चे भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ब्राह्मण के बच्चों को भी जिंदगी जीने का अधिकार है। इतना सोच पूरे देश की हो जाए तो ब्राह्मण को 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है, 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है ब्राह्मण को। लेकिन क्या हम सोचते हैं, आप बताइए। हम जब पंडित जी को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है पंडित जी कैसे होने चाहिए, बोले फटी सी धोती हो, फटा सा कुर्ता हो, हाथ में माला झोली हो, गले में कंठी हो, तिलक लगा हुआ हो और हम 11 रुपए दक्षिणा दें और पंडित जी खुश होके 1000 आशीर्वाद देके अपने घर चले जाएं, और उसके बाद हम वो तभी आए जब हम बुलाएं, उससे पहले ना जाएं हमारे घर में, ये उचित है, आप बताइए ये उचित है। इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं बोलूं, बहुत बोल सकता हूं, आज की पूरी कथा इसी पे कर सकता हूं, लेकिन उचित नहीं है क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का काम है विद्या लेना, विद्या देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। लेकिन ब्राह्मणों पर जब धन नहीं होता है तो यज्ञ धनवानों की कृपा से होता है। लक्ष्मीवान जो है, लक्ष्मी पुत्र जो है, जितने भी लोग लक्ष्मी पुत्र हैं उनकी कृपा से ही ये ऐसा समय आता है जब हम और आप सभी ऐसे यज्ञ करवा पाते हैं। जैसे ये सुंदर आयोजन चल रहा है अभी हमारे और आपके बीच में,
इस आयोजन को कराने में भी तमाम लक्ष्मी पुत्रों ने अपना सपोर्ट दिया है, और उनके इस सपोर्ट की वजह से ही सभी बोलेंगे राधे राधे। सभी बोलेंगे राधे राधे। और बोलिए, तो उसका प्रयोग अगर धर्म में हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने ऐसे आयोजन जो करते हैं, मेरी नजर में वो सम्मान के पात्र हैं, बहुत ही सम्मान के पात्र हैं। ऐसे लोगों को एक बार आप बड़ी जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत, और जोर से बजाई। मैं एक बात कह सकता हूं, यह धन का सदुपयोग है, इससे हमारे धर्म को बढ़ावा मिलता है। नौजवानों को, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको संस्कार मिलते हैं, उन्हें राम और कृष्ण की परंपरा सुनने को मिलती है, नसीब होती है, और वो जान पाते हैं कि हमारे देश की परंपरा क्या है, ऋषियों की परंपरा क्या है। एक आयोजन में अगर 10 बच्चे संस्कारवान हो गए तो सिर्फ 10 बच्चे संस्कारवान नहीं हुए, वो 10 बच्चे 100 बच्चों को और अपने जैसा बना लेते हैं। इसलिए धन का प्रयोग अगर कोई है तो वो ऐसा ही होना चाहिए। बाकी के उनके क्वेश्चनों के आंसर तो जितने भी हैं दे देंगे, दे सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनके, परंतु फिर भी सीमा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मेरे घर पे आने वाला अतिथि कोई भूखा न लौटे, मेरे द्वार पर आया हुआ अतिथि निराश न जाए, कृपा करके ऐसी करो, हर व्यक्ति जो भी मेरे दर पे आए वो कुछ लेकर जाए। तो मैं कह रहा था कि हमारी पत्नियों को हमसे शिकायत इसलिए रहती है, या पतियों को पत्नियों से शिकायत, क्योंकि वहां स्वार्थ है। परमात्मा की पत्नियों को, भगवान कृष्ण की पत्नियों को शिकायत नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में स्वार्थ नहीं है, वो एक रस एक टक होकर अपने पति की मन क्रम वचन से चरणों की सेवा करती हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में कहीं ना कहीं उनको संदेह होता है, उनके 1.5 लाख से भी ज्यादा पुत्र थे भगवान कृष्ण के, 16,108 पटरानियां थीं, सबके 10-10 पुत्र थे, और पुत्र जैसे होते हैं वो आप सब जानते हैं, संसारिक पुत्र स्त्री मिलन से ही होते हैं, लेकिन परमात्मा की संतान स्त्री पुरुष के मिलने से नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव। यकीन नहीं होगा, कई लोगों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि भोग का चश्मा जिसने लगा रखा है वो योग की चर्चा नहीं समझता। ऐसे कैसे होते होंगे महाराज, बता देता हूं। आप मोर के बारे में कुछ जानते हो? जितने भी बच्चे ध्यान से सुने, ध्यान लगाएं, हमारे कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर के बारे में किस किस को नॉलेज है? मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, बड़ों से नहीं। मैंने कथा में ऑलरेडी पहले बोला हुआ है, किस किस ने सुना है कथा में? वही हाथ उठा रहे हैं, मालूम है। मैं हमेशा बोलता रहा हूं, यहां पर ऐसे बच्चे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है मोर के विषय में हाथ उठाएं, मैं उनको बताने की कोशिश करूं, नहीं तो रहने दूं। जितने बच्चे हैं वो हाथ ऊपर ही रखेंगे, मतलब बहुत बच्चे हैं जिनको नॉलेज नहीं है मोर के विषय में, नीचे करो। आपको बता दूं, इस दुनिया में मोर ब्रह्मचारी है, मोर से बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं। मोर कभी भी मोरनी का संग नहीं करता, फिर संतान होती है उसके। कैसे होती? जब मोर रोता है, मोरनी उसके आंसुओं का पान करती है,
और उस आंसू को पान करके वो गर्भ धारण करती और संतान उत्पन्न करती। ये मोर का ब्रह्मश्चर्य है। मोर बनाया किसने? जोर से बोली, भगवान ने। जिसकी दुनिया में मोर ब्रह्मचारी रह सकता है वो खुद ब्रह्मचारी नहीं होगा क्या? जिसकी बनाई हुई सृष्टि में मोर बिना स्त्री के मिलन के संतान उत्पन्न कर सकता है तो क्या परमात्मा बिना स्त्री के मिलन के सिर्फ संकल्प मात्र से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, संतान उत्पन्न नहीं कर सकता? सृष्टि का सृजन नारायण की नाभि से कहां से है? शुरू पहले दिन की कथा याद करो, सृष्टि कहां से? नारायण की नाभि से। ब्रह्मा जी कहां से आए? अब भगवान स्त्रियों के पुरुष हैं, जरा बताओ। नारायण स्त्रियों के पुरुष है, हैं? बोलो, पुरुष है। फिर नाभि से कमल कैसे हो गया? कैसे हो गया? किसी को जन्म देना तो स्त्री का काम है, पुरुष ने जन्म कैसे दे दिया? बोला, अभी इतना ही जान पाए कि 7 दिन की कथा में कि नारायण पुरुष, इतना ही समझे, इसीलिए हमारा धर्म पीछे रह गया। सुनते तो सब कुछ है लेकिन बहुत दूर, उसी समय सुनते उसी समय भूल जाते हैं। एक श्लोक जो आप ऑलवेज हमेशा बोलते हैं, तुमेव माता, बोलिए, च पिता तुमेव, बस इसी का अर्थ क्या है? तुम मां भी हो, तुम पिता भी हो, जरूरत पड़े तो तुम स्त्री बन जाते हो, जरूरत पड़े तो तुम पुरुष बन जाते हो, जिस समय जो आवश्यकता होती है आप वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हो और इस धर्म का भला करते हो। वो न स्त्री है न पुरुष है। रामायण घोषणा करती है, जा की रही भावना जैसे प्रभु मूरत दे की दिन तैसे, देखहिं रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे उसरीरा, पुरवासिन दे के दो भाई। कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, जिसकी जो भावना है, जरूरत पड़ी तो अमृत बांटने के लिए मोहनी बने कि नहीं बने कि नहीं, बोलो कौन बने मोहनी? हैं? मोहनी कौन थी? स्त्री के पुरुष, जवाब दीजिए। और बन के कौन आया? नारायण। तो नारायण स्त्री कैसे बन गया? भगवान श्री कृष्ण राधा रानी रूठ गई, कन्हैया क्या बने? चूड़ी बेचने वाली, वो कौन होती? मनहारी स्त्री। सुनाए भजन के नहीं सुनाए? सुनाए तो फिर क्या करूंगा, सुना के रहने तो क्यों सुना दो? तो मेरी बात मानते हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? मतलब मैं वही करूं जो तुम कहो और तुम वो मत करो जो मैं कहूं? वाह, मैं कोई तुमसे नौकरी थोड़ी लेता हूं, मैं तो तुमसे बदले में प्यार ही तो मांगता हूं और वो भी तुम नहीं देते हो, बीच में खड़े हो जाते हो, दिल में चोट पहुंचाते हो। हैं? नहीं गाऊंगा, जाओ। नहीं गाऊंगा। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने
जिसमें चूड़ी भरी झोली कांधे धरी, जिसमें चूड़ी भरी ओ झोली कांधे धरी, जिसमें चूड़ी भरी झोली कांधे धरी, जिसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचे आया, मने हारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचे आया। श्री राधे, ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, शाम चूड़ी बेचे आया, मन वाली का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचे आया। श्री राम है प्यारी, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं। जो बैठे हैं वो तो सोच रहे हैं कि हम तो यहां सिर्फ सुनने आए हैं, आनंद भी वो ही लेंगे जिन्हें मेहनत करना आता है, और जो श्याम के लिए मेहनत ना करे वो इंसान ही कैसा है। वो चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, मुझे श्याम बना।
राधे राधे। पुनः एक बार ध्यान से सुने, आज आप अगर संपूर्ण भागवत सुनेंगे तो 7 दिन का लाभ मिलेगा आज की आरती का दर्शन करने के बाद, इसलिए कोई भी यहां से खड़ा नहीं होगा। आज की संपूर्ण आरती आपको 7 दिन का लाभ दिलाएगी, इसलिए जरूरी है जो भाई लोग अभी से खड़े हैं वो जहां हैं वहीं बैठ जाएं, कोई भी खड़ा ना हो, और अगर कोई खड़ा हो तो माता बहन स्वयं उसे अपने पास, जो भी आपके पास से खड़ा हो उसे तुरंत बैठा दें कोई भी। और ध्यान बिल्कुल भी आपका, आज कम समय दूंगा मैं आपको, ज्यादा नहीं, तो कम समय में भी धैर्य बना के रखेंगे आप। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने सोलह हजार एक सौ आठ विवाह किए, जैसा आप सबको कथा में पहले में बता चुका हूं। भौमासुर नामक राक्षस ने उनको बंदी बना रखा था, तो भगवान ने उनको, राक्षस को मारकर उनको जाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा हम कहां जाएंगे, आप ही हमारा वरण करें, आप ही हमें अपने चरणों में स्थान दें। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से ऐसे ही परिहास कर रहे थे, तो उसमें रुक्मिणी मूर्छित होकर गिर पड़ी। ऐसे ही उन्होंने कहा कि तुमको हम जैसे चोर के साथ विवाह करके क्या मिला, भगवान तो छलिया है ही, अब ये बिना ये ब्रज की लीला कभी कभी जब याद करते तो कुछ भी बोल देते हैं। एक दिन रुक्मिणी जी चरण दबा रही थी, और जब रुक्मिणी जी चरण दबा रही थी तो ये कहने लगे, हे रुक्मिणी हमको तो लगता है आपने ठीक नहीं किया, अब हम जैसे ग्वारिया से विवाह करके क्या मिला, शिशुपाल के साथ विवाह करते तो वो तो चंदेर नगर राजा है भाई, और आप फिर ठीक नहीं, मतलब हमको लगता है कि हम आपके लायक नहीं थे। इतना रुक्मिणी जी ने सुना और मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब भगवान को लगा ये तो बड़ी गड़बड़ कर दी हमने। अब भगवान उनको होश में लाए, जैसे होश में लाके रुक्मिणी क्यों मूर्छित हुई, रुक्मिणी को लगा कि कहीं ना कहीं मुझसे कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे भगवान मुझसे कुपित है, जिस वजह से भगवान को ऐसा बोलना पड़ा। भक्त भगवान में कभी कमी नहीं देखता, अगर कोई वजह है तो मुझमें ही ऐसी कमी रही होगी जिसकी वजह से मेरा ठाकुर मुझे नहीं देखता, मुझमें ही कमी होगी, मेरा ठाकुर मेरी नहीं सुन रहे तो मुझमें कमी है। श्री कृष्ण बोले, देवी बुरा मत मानो, हम तो आपसे हास्य परिहास कर रहे थे और आप तो मूर्छित ही हो गई, क्षमा कर। ऐसे ही भगवान लीला करते रहे। बलराम जी ने रुक्मिणी के भाई का वध भी किया, रुक्मी का वध किया है। उषा के प्रेम में अनिरुद्ध, उषा ने अपनी सहेली के साथ में मिलकर अनिरुद्ध को द्वारका से, आज की भाषा में कहें तो किडनैप करा लिया, और वो बाणासुर के राज्य में ही रहने लगे। लेकिन जब बाणासुर को पता चला तो फिर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में स्वयं भूतवामन भोलेनाथ ने भाग लिया, स्वयं भोलेनाथ उस युद्ध में। और भोलेनाथ किसकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, बाणासुर की तरफ से। क्यों? बोले इस बहाने हमें कन्हैया का दर्शन होगा, गोविंद का दर्शन होगा। और कुछ समय बाद वो युद्ध जब शांत हुआ तो उषा अनिरुद्ध का विवाह कर दिया गया। एक राजा नरक की कथा आती है जिसको मैं बार बार कथा में कहता हूं, उसकी प्रमुख वजह एक ही है कि ब्राह्मण भगवान का मुख है, और हम जाने अनजाने में कभी भी ब्राह्मण का अपराध न करें। बहुत से लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है इसलिए महाराज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज भी बहुत बड़ी बात है। राजा नृग ने बिना जानबूझे अनजाने में ही एक अपराध हो गया। राजा नृग जितने आसमान में तारे हैं, जितने पृथ्वी पे कण हैं, उतनी राजा नृग ने गौएं ब्राह्मणों को दान में दिए, और ऐसे नहीं दिए,
उन गौओं के सींगों को सोने में मड़वा के, उनके खुरों को सोने में मड़वा के, तब उनको गौएं दान में दिए हैं पूरा श्रृंगार करके। माना कि उस समय 30,000 नहीं था सोना, लेकिन सोने की महंगाई तो उस समय भी, सोने की कीमत तो उस समय भी थी, नहीं होगी उस समय। आजकल तो दान दे के मांगने वाले भी आ जाते हैं कि हमने आपको दान दिया था वो हमें वापस कर दो। अरे हमने आपसे कहा, एक तो लोग देते नहीं, देते हैं तो मांगने भी लग जाते हैं। दान दे के उसकी पुनरावृत्ति करना, वापस लेना, बता नहीं सकता कि उसकी दुर्दशा क्या है। मालूम मैं बोलूं तो ठीक नहीं लगेगा। दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या, वो दान ही क्या, नहीं दिया दान जिन हाथों ने, ऐसा वैरी प्राणी क्या, जिन हाथों से दान ना निकला हो वो इंसान थोड़ी। हाथों का प्रयोग सिर्फ खाने में नहीं है, हाथों का प्रयोग सिर्फ कर्म करने में नहीं है, हाथों का प्रयोग सिर्फ आभूषण धारण करने में नहीं है, हाथों का प्रयोग सिर्फ दूसरों को थप्पड़ मारने के लिए नहीं है, हाथों का प्रयोग सिर्फ अपने बच्चों का लालन पालन करने में नहीं है। हाथों का प्रयोग अगर करना हो तो साधुओं की सेवा, दीनों की सेवा, और जितना हो सके अपने धर्म की रक्षा के लिए धन का सपोर्ट, तब है आपके हाथों का सही प्रयोग। राजा नृग इतनी गौएं दान दी सोने की, और सोना मड़मड़ के सींगों में खुरों में, एक दिन उनसे क्या त्रुटि हो गई कि एक गौ को जो वो पहले से ही दान दे चुके थे किसी को, वो गाय वहां से खुल के वहां आके बंद गई, जिन गायों को राजा को सुबह दान में देना था और वो गलती से दोबारा दान में दे दी गई, एक गाय दो बार दान में दे दी गई। जब ये ब्राह्मण इस गाय को लेके जा रहा था तो जिस ब्राह्मण को ये गाय पहले दी जा चुकी थी उसने आकर कहा, ये गाय तो मेरी है। बोले मैं तो, दूसरा ब्राह्मण बोला, मैं तो अभी अभी राजा के यहां से दान लेके आ रहा हूं। बोले तो ठीक है, चलो राजा से पता कर लेते हैं। दोनों राजा के पास में गए और राजा से कहने लगे, पहले ब्राह्मण, हे राजन, ये जो गाय ये ब्राह्मण लेके जा रहा है ये मेरी गाय है, ये आपने मुझे दान में दी थी। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, बोले अभी अभी आप ही ने दिए मुझे ये दान में, मतलब एक गाय दो बार दान में हो गई, मुझे क्षमा करना, शायद गलती से त्रुटि हो गई है। तो एक ब्राह्मण जो पहले जिसको गाय दी थी उसको कहा कि आप एक काम करो, इस गाय को इनको जाने दो, आप मेरे से और गाय ले लो, कितनी चाहिए आप बोलो। पहला ब्राह्मण बोला, नहीं मुझे तो यही चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, यही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण से कहा कि आपको मैं 1,000 गाय दे देता हूं, ये गाय आप इनको दे दो। उस ब्राह्मण को क्रोध आ गया, उसने कहा, तूने हमें भिखारी समझा हुआ है, तेरे को लगता है हम गाय दान लेने के, तेरे को तेरा भाग्य बढ़ाना इसलिए हम तुझसे दान लेते हैं, और तुझे लगता है कि हम गाय के लिए आए, हमें भिखारी समझता है और क्रिकेट की तरह रंग बदल रहा है, अभी इसको अभी इसको अभी इसको अभी इसको, श्राप देता हूं, जा तू क्रिकेट हो जा। ब्राह्मण के श्राप से राजा नृग गिरगिट के रूप में पहुंच गए। किस वजह से, बोले अनजाने में ही सही, लेकिन ब्राह्मण का अपराध उसे हुआ। फिर उस गिरगिट को भगवान ने अपने हाथों से उस कुएं में से निकाला, भगवान का दर्शन हुआ, उस पुण्य का फल था कि उसे दर्शन भी हुआ भगवान का, इतने बड़े सत्कर्म किया था उसका फल कि भगवान मिले उसे, भगवान के कर कमलों से कल्याण हुआ उसका। लेकिन एक बात है, यह अपराध ब्राह्मणों का हुआ इसलिए इतने धर्मात्मा राजा को भी गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ब्राह्मण भगवान का मुख है, ब्राह्मण का अपराध मत करिए, साधु का अपराध मत करिए। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की कभी जात मत पूछना महाराज, आपकी जाति क्या है, पूछना हो तो ज्ञान पूछे।
ब्राह्मण जब सत्कर्म बताए तो उस सत्कर्म पर चलना चाहिए जीव को। बोलो राधे राधे। आप कौन कौन चाहते हैं धर्म का प्रचार होना चाहिए? कौन कौन चाहते हैं हमारा धर्म आसमान की बुलंदी को छूना चाहिए? कौन कौन चाहता है हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए? कौन कौन चाहता है कि हमें आगे बढ़कर अपने धर्म को बचाना चाहिए? कौन कौन चाहता है? नीचे करें हाथ। एक दिन आप लोगों को फॉर्म बांटे गए थे, कौन कौन फॉर्म लेके गया था हाथ उठा में? जो जो फॉर्म लेके गए थे हाथ उठाइए। नहीं, फॉर्म तो ज्यादा बटे थे, फॉर्म तो मेरे विचार से 7-8 हजार बटे। कितने कितने बटे? 7-8 हजार। हाथ उठाइए जो जो लेके गए हो। नीचे करो। दिख गया धर्म का प्रचार कौन करेगा? कौन करेगा? हम, क्योंकि इतनी ऊंची जगह पे तो हम बैठे हैं। एक राजा के कोई पुत्र नहीं था, गुरुजी से पूछा कि महाराज कोई पुत्र नहीं है, क्या करें, कृपा करके बताइए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन एक काम करो, ये जो सरोवर है ना, कुंड था एक वहां पर, बोले इस कुंड को दूध से भरवाओ और उस दूध से जो है हम लोग एक सुंदर अभिषेक करेंगे भगवान का। बोले महाराज इतना दूध तो नहीं है, कहां से आएगा? बोले अपने प्रजा में सबसे कह दो कि एक एक कलश सब दूध इसमें डाल के जाएंगे। सबसे कह दो एक एक कलश सब डाल के जाएंगे, सुबह ये भर जाएगा, फिर अभिषेक करेंगे। बोले ठीक है। अब राजा ने सूचना दिलवा दी कि बोले सबको भाई एक एक कलश दूध सबको डालना है, जो नहीं डालेगा उसको फांसी की सजा मिलेगी। राजा को बेटे होने की बात थी, ठीक है। अब एक दूसरे के मन में प्लानिंग चली कि और तो सब दूध डालेंगे, अगर मैं अकेला रात में पानी डालाऊंगा तो कौन पूछ रहा है, कौन देख रहा है? मैं अकेला पानी डालाऊंगा तो कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? रात में सब लोग गए और सब लोग दूध की बजाय उस सरोवर में, सरोवर को पानी से भर दिया और राजा अपना सर कूट के रैठ गया कि आखिर में अब किस किस को फांसी पे चढ़ाऊं? कुआमी भांग पर ही है तो क्या करें? फॉर्म बटे 7-8 हजार। जानते हो फॉर्म कितने लौटे आज तक 4:30 बजे तक? कितने? 18। कितने? जोर से बोली। और देखने वाले लोगों, वो बाबा बड़ी भीड़ है, बड़ा ये है, कोई पूछो ही मत, बड़े धर्म के वो जो इतना विशाल आयोजन। सब लोग हमें इसीलिए तो पैसे वाला समझ बैठे, बड़ी भीड़ आती है महाराज आपके यहां। भीड़ से मतलब नहीं है, धर्म के रक्षक कितने आते हैं ये देखने वाली बात है। क्या मांगा था आपसे? छोटा सा सपोर्ट। कितने रुपए खाके फेंक देते हो गुटखा? कितने रुपए खाके फेंक देते हो पान? कितने रुपए मोबाइल में वेस्ट कर देते हो? कितने रुपए दूसरों की चुगली करने में निकाल देते हो? कितना? और आज जब हमने आपसे धर्म के लिए हल्का सा सपोर्ट मांग लिया और ये भी कहा था, ये समझ लेना कि मैं तुम्हें ठगने आया हूं, लेकिन ठग रहा हूं भगवान का नाम लेकर, और अगर भगवान का नाम लेकर ठग रहा हूं तो मेरा भगवान तेरा तो बुरा नहीं करेगा, अगर मैं ठग रहा हूं तो मेरा बुरा जरूर करेगा। फिर भी फॉर्म वापस लौटे कितने? अरे कम से कम खाली लौटा जाते, लौटा तो जाते, वो किसी आगे और किसी को बांटते, वो तो ट्रस्ट पे वजन नहीं पड़ता। सोचने वाली बात है।
मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, कोई शिकवा नहीं है मुझे आपसे, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हो तो परीक्षा होती है, और शायद मेरी इस समय यही परीक्षा चल रही है, पर मेरे ठाकुर मेरी परीक्षा लेना सामर्थ्य देना कि मैं इस परीक्षा में सफल भी हो जाऊं, इतना मेरे ठाकुर कृपा भी करे। अभी मैं बुरा काम करने लग जाऊं तो यही जनता मुझे यहां से करोड़ों रुपए दे सकती है, यही जनता करोड़ों देगी, सिर्फ मैं इनको बताने लग जाऊं इनका बिजनेस कितना जल्दी कौन से काम से, और उसकी फीस लगा दूं 2000 रुपए नहीं 4000 रुपए, ये सब देंगे, क्योंकि सबको पैसे वाला बनना है, क्योंकि मैंने मांगा था धर्म के लिए, इसलिए सिर्फ 18 वो धर्मात्मा निकल कर आए जिन्होंने सोचा कि महाराज जो कह रहा है चलो लूट के ले जा रहा होगा तो क्या होगा, देते हैं है? मेरे जाने के बाद कटनी के लोग कहेंगे महाराज बहुत पैसे वाला बन के गया है यहां से है? इसलिए हकीकत आपको बता के भी जा रहा हूं कि आपके शहर से इतना 18 लोगों का सपोर्ट भी लेके जा रहा हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और उन सब का तहे दिल से धन्यवाद है जिन्होंने सपोर्ट किया है, सिर्फ फॉर्म नहीं और भी सपोर्ट उन लोगों ने किया है, किसी ने मंदिर के लिए कुछ देकर कुछ देकर कुछ देकर, जिन्होंने जो भी दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। भगवान से प्रार्थना उनको ऐसे विचार बने रहें, क्योंकि उनके ऐसे विचारों से धर्म आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। राजा नृक की कथा के बाद अनेकों कथाएं बीच में आती हैं, एक कथा पांडवों ने राजसी यज्ञ किया, राजसी यज्ञ जब पांडवों ने किया तो दुर्योधन भी वहां आया था, इसमें भगवान ने जो सेवा करी वो देखने योग्य है। अर्जुन को कह दिया तुम व्यवस्था करो रहने सहने की, भीम को कह दिया तुम व्यवस्था करो भोजन की, धर्मराज को कहा व्यवस्था करो सबके स्वागत सत्कार की, और मैं आया हूं तो मुझे भी कोई सेवा करनी है, तो भगवान ने सेवा स्वीकार करी कि जो भी लोग यहां आएंगे मैं उनका चरण धोऊंगा, मैं उनकी पत्तल उठाऊंगा। पांडव बोले नहीं नहीं महाराज नहीं नहीं, आप कृपा करो ये काम हम करेंगे, आप मत करिए प्लीज ये काम हम करेंगे। बोले नहीं 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 नहीं, इंसान वो बड़ा नहीं होता जो बड़ी बड़ी बात करता है, इंसान वो बड़ा होता है जो छोटी बात तो करता है लेकिन काम बड़े करता है। जिसके विचार बड़े हैं, जिसके कर्म बड़े हैं, जिसके बोल बड़े हैं, वो बड़ा नहीं है। अब देखिए जगतपति को क्या जरूरत है सबके चरण धोने की, ये कौन है त्रिलोकी नाथ, कौन, हम तो एक घर के नाथ के एक पत्नी के नाथ, और वो भी पता नहीं कब हो जाए अनाथ। नहीं नहीं सच्ची नहीं, अरे हंसा हर एक बात पे हंसना नहीं चाहिए, मैं तो कॉन्टेक्ट जोड़ता हूं पर आप ठीक रहो समझो। अरे आपको मालूम है हम और आप कब अनाथ हो जाएंगे, सही मायने में जब तक हम लोग परमात्मा के शरण में न जाए तब तक हम अनाथ हैं। हम लोग सनाथ ही उस दिन होते हैं जब हम परमात्मा के चरणों से अपनी प्रेम की डोरी बांध देते हैं, सही मायने में उस दिन हम सनाथ होते हैं, जिस दिन हमारे गुरु हमारे कान में मंत्र फूंकते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हारे ये गोविंद हैं, ये इष्ट हैं, इनको जपना है, और जब हम अपने गोविंद की बात गुरु की बात मानकर गोविंद की शरण चले जाते हैं उस दिन हम सनाथ होते हैं। और जब तक गोविंद की शरण ना ले तब तक हम अनाथ ही हैं मेरे भाई बहन, अनाथ ही हैं। पुत्र लोकीनाथ तीनों लोकों का स्वामी क्या कर रहे हैं, बोले सबके चरण धो रहे हैं, बोल बड़े हैं नहीं है कर्म बड़ा है, तभी तो प्रेमी गाते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन
सबसे ऊंची प्रेम सदाई सबसे से प्रेम करते हैं ना तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे मोबाइल का बिल कितना आ रहा है सोचते हैं? अब जिनके मन किसी बात में कह रहा हूं वो बेचारे शर्मा जाते हैं है ना। अच्छा एक बात बताओ आप किसी से प्रेम करते हो तो ये सोचते हो बिल कितना आ रहा है गिफ्ट देते हुए सोचते हो आप अपने बेटे से कितना प्यार करते हो जिंदगी भर की कमाई अपने बेटे को दे देते ले बेटा से पता लगाइए कि हमें भगवान से कितना प्यार है फिर कह दे कि भगवान आते नहीं अरे प्यार तो कर इतना प्यार कर प्यार किया ब्रज की गोपियों ने कैसा ऐसी प्रीत भई
बिल्कुल मत बोलो। श्री कृष्ण झूठन कहा गया कि प्रथम तिलक किसे ये तो उसका अध्यक्ष होता है, तो ठीक है कृष्ण से बड़ा और प्रथम तिलक किया जाए भी बैठे थे। पहले बोला तो अपने साथ हिट हो गया, प्यार ही कर सकते हैं। बिंद ही आपको भला बुरा बोल रहा है और आप चुपचाप मुस्कुरा श्री कृष्ण नहीं हो। और जब ये हुआ था ना इसके और जब मैं इसे देखने गया तो दो भुजा और एक नेत्र गिर गया। ब्राह्मणों ने बताया कि इसकी मृत्यु मेरे ही हाथों से है। तो कृष्ण तुम इसे मत मारना, तुम्हारे तो हाथ ये तो छोटा सा है, तुम्हारा क्या अपराध करेगा। मैंने भुआ से कहा भुआ ये मेरे 100 अपराध करेगा तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 के बाद अगर जाएगा तो फिर तो बोले हाँ 100 ठीक है। अब ये गालियां दे रहा है तो गालियां देना अपराध है। अर्जुन बोले महाराज आप आज्ञा करें, अगर आप नहीं तो मेरा गांडीव अभी मेरे हाथ में ही है। कृष्ण बोले अभी तो शुरुआत है, एंड बहुत दूर है, शुरू नहीं, तू बैठ, तू क्यों चिंता करता है। कितने धैर्यवान होंगे कृष्ण कि उनके समक्ष उनको कोई गालियां दे रहा है और वो मुस्कुरा गालियों पे गालियां दिए जा रहा है और भगवान मुस्कुरा रहे, कृष्ण मुस्कुरा रहे। अर्जुन बोला शिशुपाल 100 से ज्यादा गालियां मत देना वरना बुरा होगा। क्या होगा? बोले तेरा ये जो सर है ना ये धड़ से जुदा होगा, रहेगा नहीं। कौन है ये? बोले वो भगवान है जो तुझे दिखता, ये जो पर्दा होगा दुनिया हमें वैसी दिखती है। एक शायर ने बहुत खूब लिखा है रत्न को हर इंसान की आंखें, की कीमत क्या है पुखराज की कीमत क्या है, नीलम की कीमत क्या है, किसी भी पत्थर की कीमत। अब वो किसी आप जैसे और हम जैसे को 2 रुपए के पैसे के पत्थर के 2 की कीमत हम करेंगे 2 रुपए, क्योंकि हम जानते हैं तो कहेगा हां ये हीरा है ये नीलम है। को हर इंसान की आंखें दिखाई ब्रह्म क्या देगा, न हो जब तक ज्ञान की आंखें, न हो जब तक ज्ञान की आंखें। माया को देखने वाले लोग माधव को इतनी आसानी से नहीं देख पाते हैं, माधव को तो देखते हैं, अर्जुन की आंखें माधव को देखती हैं, आंखें माधव को देखती है, सर्वेश्वरी की माधव को देख पाते हैं, ध्रुव की आंखें मीरा की आंखें। पढ़ जाओ ये तो कलयुग के भक्त।
उदास, ये कलयुग में ही हुए। शिशुपाल बोला मैं तुम सब नीचे उतरो और युद्ध करो और दिखाओ कि शिशुपाल में और कृष्ण में कौन ज्यादा ताकतवर है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जोर से बोलो, शर्म आ रही होगी। क्या करो, नीचे उतरो। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोल, नहीं उतर सकता जितना नीचे तुम उतर आए हो। मेरे भाई बहन जहां से फिर ऊपर ना आ सको, मेंटेन करना, किसी भविष्य में किसी का जब दोबारा भविष्य में तुम्हारा जमीन से ऊपर ना उठ सके। श्री कृष्ण कहते हैं मैं उतना नीचे नहीं उतर सकता जितना नीचे तुम उतर आए हो। गाली देता गया, देता टेन और रह गई यार, इनको भी कंप्लीट कर दे, रोज रोज के झंझट से छुटकारा मिले। बोला 10 नहीं 10,000 दूंगा। बोले 10 ही दे ले फिलहाल, तो 10 कंप्लीट हुई। भगवान बोले स्टॉप, क्योंकि यहां से आगे एक शब्द तेरी मृत्यु को तेरे सामना करा देगा। अब चाहे भगवान ही क्यों ना समझाए उन्हें, किसी साधारण बालक की बात भी समझा आने बैठ जाए तो भी नहीं समझते। भगवान करे 100 कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे नहीं। और उसने जैसे ही गाली देना एक और प्रारंभ किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र याद किया और शिशुपाल गोविंदाय नमो नमः। मत बजाओ, गोविंदाय नमो नमः का प्रसंग यहां बीच में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने यद ये यज्ञ पूर्ण करवाया, पांडवों की रक्षा की, फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा महामायावी साल्व का वध, कृष्ण द्वारा दंत वक्र और विदुरथ का वध, उसके बाद में जिनका नाम था सुदामा, कोई ढूंढने के चाहिए तो ले, इज नॉट नहीं, वो दोस्ती क्या जो लेवल ढूंढती हो वो तो मतलब क्या। सुदामा कृष्ण की लेवल के थे, कृष्ण द्वारकाधीश और सुदामा ब्राह्मण दीनहीन, लेकिन कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है, सुदामा चरित्र सुना है, समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं जो आपको कह रहा हूं उतना समझिए। विरक्त सुदामा घर में दाना नहीं है खाने के लिए, लेकिन प्रशांत वो प्रसन्न है, ध्यान से सुनना, उठा के दिल लगा के चित्त एकत्रित करके और ऐसे बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हूं फिलहाल। यहां से आगे की कथा ऐसे ही सुननी है आपको, झुक जाएगी तो मन हट जाएगा, बैठो ऐसे। ये झुकी आधा सुनते ही नहीं है, है ना, ऐसे रखो।
देखिए कितना आपकी ये पीठ झुकनी नहीं चाहिए, जिसकी झुकेगी वो कमजोर है, ध्यान रखना। ये ऐसे बैठो आप, प्रैक्टिस कर लो, घट जाएगा क्या हुआ। और एक अरबों खरबों रुपए बैंक ने, एक राजा 15 महीने में अभी लौट गया है। मैंने किसी नेता को नहीं कहा माफ करना, आई एम सो सॉरी अगर कोई सुन रहा हो तो। भैया 15 महीने में बाहर निकल गया, मैंने न्यूज पे देखा नहीं। क्या हुआ? तो अच्छे लोग ज्यादा रुपए, फिर भी चैन नहीं है। और ब्राह्मण सुदामा एक अन्न का दाना जिसके घर में नहीं है और फिर भी प्रसन्न है, दुखी नहीं, अति दुखी है और अपनी इच्छाओं को उछाल रखा है। जो अपनी इच्छाओं को मारता नहीं वो दूसरे के हक मार के खा जाता है और फिर जिंदगी भर रोता रहता। और एक बात, लोगों को एक दिन दरिद्री जरूर को झेलना पड़ता है जो दूसरे का हक खाता है। माफ करना मैं किसी व्यक्तित्व के लिए नहीं, शास्त्र कृष्ण के बट के चना खाए तो सुदामा को तंदुल वापस दे दिए तो वो दो लोग का मालिक बन गया। मतलब भगवान कहते हैं मैं तुझे तब तक कुछ नहीं दे सकता जब तक तू मुझे कुछ नहीं देगा। फर्क इतना है, तू थोड़ा डोंट बिलीव इन गॉड। अगर तुम उससे कुछ चाहते हो तो फर्स्ट डिवोट योर सेल्फ, पूर्ण समर्पण करो परमात्मा के चरणों में, विल टेक केयर ऑफ यू ऑलवेज। ये उसकी मर्यादा। अरे भाई मैं भगवान की बात नहीं करता, मैं आपके सिद्धांत की बात करता हूं। जब तक आप जमीन में बीज नहीं बिना बीज बोए तो मान जाऊं, फसल तभी मिलती है जब आप बीज बोते हो और परमात्मा की कृपा तब मिलती है जब आप। ये भक्ति का बीज है, ये भक्ति, ये धारणा होनी चाहिए, नॉट समथिंग। मुझे भगवान के लिए सब कुछ कर करने लायक, और करने लायक नहीं भी बनाया तो क्या। एक भक्त की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, सुना दूं समय है, छोड़ी नहीं सुनाता। एक भक्त थे जो भगवान को जाके चढ़ाते, ध्यान से सुनना एक एक शब्द, ये बीज बोना है जो बता रहा हूं, बड़े देर भी नहीं रह पाए। मैडम मैं भी तो बैठा हूं, मैं झुका क्या। एक भक्त थे, खुले फूल खरीदते, माला बनाते, सीना जी को जाके पहनाते। एक दिन क्या हुआ कि उनको थोड़ी सी देर हुई, उतने में वहां नाथ द्वारे की बात है, कोई के गुलाम ने आके कहा ये फूलों की टोकरी मुझे चाहिए। वो आखिरी भक्त पहुंच गया, बोले नहीं ये टोकरी तो मेरी है।
बोले नहीं मैं पहले आया हूं, तो बिना फूल के रह जाएंगे। ठाकुर जी को फूल बहुत पसंद है, कहता तुझ पे नहीं बनते तू मत दे, लेकिन कभी याद करके दो। न दे लाखों करोड़ों भाई, दो फूल तो चढ़ा। बहुत से लोग कहते भगवान को तो फूल ही पसंद है, वो अंदर झांक रहा के तेरे। अब मेरे जैसा व्यक्ति जाके भगवान को सिर्फ दो फूल चढ़ा के आ जाए तो भगवान गाल पे थप्पड़ नहीं मारेगा? तुझे सब कुछ दिया है, पहनने के लिए दिया है, अच्छे फूल चढ़ाने आ गया मेरे पास? अरे दो माला ले आता, मेरे को दही माखन मिला के दे दे, पंडा पुजारियों को दे दे, तेरे बाप का। क्यों? क्योंकि उसने मुझे इस लायक बना, तो कम से कम भगवान पे कुछ चढ़ा सकूं, ये मुझे बनाया। तो बेगम साहिबा से वो भक्त कह रहे हैं तो बिना फूल के नहीं रहेगा, इसलिए तो फूल मैं ही ले जाऊंगा। बोलो ठीक है, जो ज्यादा पैसा देगा वो लेके जाएगा। बोलो ठीक, ये फूटना भी गहना है, जितना भी सब कुछ है वो 1 लाख से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा, और आज से मेरा कुछ नहीं। फूल बनाए, माला बनाई फूलों से, और फूलों से माला बनाकर श्रीनाथ जी को पहनाने के लिए गए, और जैसे श्रीनाथ जी को पहनाने के लिए गए, श्रीनाथ जी ने अपना सर झुका दिया, अपना सर झुका दिया। गोसाई जी ने पूछा आज क्यों, ये तो रोज माला लाता है, सर झुकाने वाली बात कौन सी हो गई? बोले और दिन सिर्फ फूलों की माला आती थी, आज ये सिर्फ फूलों की माला नहीं है, आज मेरे भक्त का सर्वस्व इस माला में छिप गया है, इसलिए जो ऐसे समर्पणकार होते हैं उनके आगे मेरा सर झुक जाता है। और तुम समर्पण क्या करोगे, तुम पे तो बैठा ही नहीं जा रहा, अभी भी लग रहा है कि जैसे मुझे मैंने सजा दे दी तुम्हें, अब बैठो ऐसे, सजा लग रही है ना? अच्छा ठीक है, नॉर्मल तरीके से बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। रिलीफ मिल गया। ऐसे भक्तों की कथा, ऐसे लोगों की कथा, ऐसे भक्त परमात्मा को विशेष प्रिय है। सुदामा ने जब दिया तो सुदामा को कृष्ण ने दिया, सुदामा ने जब कृष्ण के बट के चना खा लिए तो दरिद्रता ने आकर घेर लिया। यहां पर बैठा हुआ हर शख्स अपने दिल पर हाथ रखकर कहे कि आपने किसी का हक नहीं खाया, अगर खाया है तो दरिद्री होना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं हक पर आयो खाए के यही मिलेगी सीख, हो दरिद्री आज से घर घर मांगो भीख। जो दूसरे का हक खाएगा वो दरिद्री बनेगा। हक खा के 2-4 हजार रुपए अच्छे काम में लगा दो, भगवान माफ कर देगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। किस किस को जानना उपाय, उपाय बता दूं जिससे दरिद्री ना होना पड़े? कौन कौन जानना चाहता उपाय जिससे दरिद्री ना होना पड़े? हाथ उठा के बताएंगे, जिसने जो ना बने मुझे ना दरिद्री अपना, जो हाथ उठाएंगे उन्हीं को बताऊंगा, जो नहीं उठाएंगे, जिन्हें नहीं जानना है वो हाथ नीचे रखे। नहीं जानना क्यों जी बाबा, नहीं जानना आपको? अरे ऊपर ही रखो, अभी मेरा भी तो ऊपर ही है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ बोलो, जानना है? इसका मतलब हम सब ने दूसरे का हक खा रखा है ऑलरेडी। जब नहीं खाया तो उपाय जान के क्या करोगे? इसका मतलब चोरी पकड़ी गई। ठीक है, दूसरे का हक खाया है तो दरिद्री नहीं बनना चाहते। कई बार मां बाप के कर्म का फल, हमारे कर्मों का फल 3 पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुनेंगे ये बात।
मेरे किसी भी कर्म का फल अच्छे का या बुरे का तीन पीढ़ियों को मिलता है, एक मेरे पिता और एक मेरे पुत्र और एक मैं खुद। मैं अच्छा कर्म करूंगा तो लोग कहेंगे किसका बेटा है। भाई कितना बुरा इंसान है, अरे भाई इससे तो जो जन्म लेगा वो भी ऐसा ही होगा। मेरे हर अच्छे और बुरे कर्म की सजा हम तीन पीढ़ियों को झेलनी पड़ेगी, हर हाल में झेलनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले इस बात को सोच लो कि ये कर्म करके क्या तुम अपनी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे पाओगे। अगर तुमने किसी का हक खाया है तो तुम्हारी उस पीढ़ी को और जो पहली पिता हैं और तुम खुद झेलना पड़ेगा। फिर भी सुनने को तो मिलता ही है। इसलिए अगर चाहते हो तुम्हें दरिद्री ना होना पड़े तो इसके लिए एक सीधा सा उपाय है, सीधा सा। जिसका जो हक खाया है उसका वापस कर दो और परमात्मा के आगे दोनों कान पकड़ के कहो मुझसे अपराध हो गया मेरे ठाकुर, मुझे क्षमा करना। उसके बाद मेरा ठाकुर तुम्हें क्षमा कर देगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मेरे हाथ में नहीं, फिर तो जो झेलना है कर्म का फल है भोगना ही पड़ेगा। सुदामा जी के चरित्र के बाद में सूर्य ग्रहण के समय पर ब्रजवासियों से श्री कृष्ण मिलते हैं और सूर्य ग्रहण के समय मिलकर मेरे ठाकुर सभी ब्रजवासियों से, पूरे 100 साल बाद आज श्री कृष्ण ब्रजवासियों से मिले हैं। ये करुणा का प्रसंग है इसलिए मैं ज्यादा सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि कल मैंने देख लिया है करुणा का प्रसंग आपने किस तरह से सुना था। इसलिए सिर्फ इतना कहूंगा कि श्रीदामा का जो श्राप था सर्वेश्वरी राधा को कि तुम्हें कृष्ण से 100 साल दूर रहना पड़ेगा, वियोग सहना पड़ेगा, आज वो 100 वर्ष पूरे हो गए और आज श्री कृष्ण सर्वेश्वरी श्री राधा से मिले, सभी ब्रजवासियों से मिले, कुरुक्षेत्र में मिले हैं श्री कृष्ण। एक बात मेरे सामने का प्रश्न उठा परसों और कल भी कि महाराज एक बात बताइए, राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ कृष्ण के साथ, जबकि सबसे बड़े प्रेमी युगल हैं ये। सबसे पहले तो आप प्रेम किसको कहते हो, जो पाले। ये तो आम बात है, सब कहेंगे त्याग कर दे। आज भी नाम रुक्मणी कृष्ण का, सत्यवामा कृष्ण का, जामवंती कृष्ण का, लक्ष्मणा कृष्ण का नहीं लिया जाता, कालिंदी कृष्ण का नहीं लिया जाता। किसका लिया जाता है? राधा कृष्ण कहे सब कोई, रुक्मणी कृष्ण कहे नहीं कोई। कोई नहीं कहता। क्यों? रुक्मणी ने पाया और राधा ने उसे जीवन भर गाया। देवकी ने तो ठीक है पा लिया, 11.5 वर्ष के बाद कृष्ण जीवन पर्यंत देवकी के साथ में रहे, लेकिन मां यशोदा को लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि मां ने उन्हें पाल पोस के देवकी को दे दिया और जिंदगी भर जीवन भर कृष्ण की यादों के सहारे श्री यशोदा मैया रही जीवन भर। आप बताइए आपकी नजर में राधा रुक्मणी क्या यशोदा जी की ज्यादा सम्मान है कि देवकी का? क्यों? क्योंकि त्याग करने वाला हमेशा बड़ा, जो पाले वो बड़ा नहीं है, जो त्याग कर दे वो बड़ा। आजकल का प्रेम प्रेम नहीं है, ये तो क्या बोलते हैं इनको, दो गाल पे थप्पड़ पड़ जाए इनका प्रेम बदल जाता है। और इनका कसूर नहीं है, जवानी जब आती है ना, शुरू जब होती है जवानी, तो फिर तो ईंट पत्थरों से भी प्यार होने लग जाता है, ईंट पत्थरों से भी। अरे इसमें बुरी बात क्या है? कई बच्चों को मैंने देखा है वो कुत्तों से प्यार करते, इससे कुछ ना कि नहीं मेरे पप्पी है। वारे वाह जमाना क्या आ गया, हमारी बहन बेटियां, नौजवान बहन बेटियां कुत्ते को गोद में उठाती हुई घूम रही है।
कुत्ते को गोद में। अरे बोले महाराज आप क्या जानो ये बिलायती है? तो बिलायत में पैदा है जानती है भाई का एक बिलायती लोगों को तो अच्छा लगता है। में हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान देवियों की तरह किया जाता है, एकदम देवियों की तरह। अमेरिका की लेडीज का अवतार हो, भारत की अवतार हो, अमेरिका को गोद में खिलाने का, भारत की देवी को मौका मिला है कृष्ण और राम को अपनी गोद में खिलाने का, यह भारत की देवियों का सौभाग्य है। उन्होंने चाहे देश जीते होंगे, हमने दिल जीते हैं, हमने और छोड़ो मानवों के दिल नहीं स्वयं भगवान के दिल जीते हैं, ये वो भारत है। सर्वेश्वरी श्री राधा, कितना बड़ा त्याग। वैसे आपको एक ऐसी कथा बता दूं जो हमारे पुराणों, चलो छोड़ो नहीं बताऊंगा, वो बहुत ही गुप्त कथा है जो सब किसी को नहीं बताई जाती, उनको सिर्फ अधिकारियों को ही बताई जाती है। सिर्फ इतना ही कहूंगा क्योंकि अब यहां पर तो बहुत लोग सुन रहे हैं, नास्तिक लोग भी सुन रहे हैं, तो सब लोग तो अधिकारी नहीं है, और ये हमारे प्रिया प्रीतम का विषय है इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। घर की चीजें घर में रहें ज्यादा बढ़िया है, या फिर कोई उसको जानने के लायक हो तो उसको जनाया जाए। लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए कि सर्वेश्वरी श्री राधा का जो त्याग है वो कोई कर नहीं सकता। आज का प्रेमी पाना चाहता है, विद्रोह कर लेता नहीं, पूरी दुनिया से विद्रोह कर लेता नहीं, और जब सामने वाला भी मना कर दे तो उससे भी विद्रोह करता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये प्रेम नहीं है, ये छीनने को प्रेम थोड़ी कहते हैं। प्रेम में जानते हो क्या कहते हैं? तू जहां रहे बस खुश रहे, मौका मिले तो ये आंखें तुझे हंसता हुआ देख ले, अगर मौका ना भी मिले तो आंखें बंद कर कर तेरे चेहरे को जब भी देखेंगे दिल को सुकून आ जाएगा, दिल को आनंद आ जाएगा। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। ये सच्चा प्रेम है। तो किशोरी जी का तो क्या कहें, वो तो बहुत ही अपरंपार लीला है। लेकिन मेरे भाई बहन, इन लीलाओं के साथ में, तमाम कारणों के साथ, एक बार अब भागवत को पूरी करने जा रहे हैं। आप लोग अपना सर ढक लें और संपूर्ण भागवत से पहले श्री कृष्ण के परिवार को क्या झेलना पड़ा, क्या हुआ, जिसकी वजह से श्री कृष्ण के इस परिवार को, इस पृथ्वी को, धाराधाम को छोड़ के जाना पड़ा, ध्यान से सुनेंगे। एक बार सभी यदुवंशियों के कुछ बालक सागर के तट पर ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, वहां बड़े बड़े साधु संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि पधारे हुए थे, तो उनमें से एक पुर लड़के को उन्होंने स्त्री बनाया, उसे साड़ी पहनाया, साड़ी पहनाकर उसके पेट से कढ़ाई बांधी, ये स्त्री जो है वो गर्भ से है, इसे पुत्र होगा या पुत्री। उन्हें श्राप दे दिया, क्रोध आ गया, अरे दुष्टो भगवान के परिवार में भी जन्म लेकर तुम साधु महात्माओं का अपमान करते हो, उनसे हास्य विनोद करते हो, उनसे हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा इससे जो भी जन्म लेगा ना, मूसलम कुल नासलम, तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। ये किसकी बात बता रहा हूं? भगवान के परिवार की। किसने मिटाया भगवान के परिवार को? प्लीज मेरी बात को सिर्फ प्रसंग ही समझना, पर्सनली मत लेना, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं साधु तो नहीं हूं, मैं भक्त तो नहीं हूं, मैंने घर तो नहीं छोड़ा, यहां साधुओं की भी बात हो रही है, यहां भक्तों की भी बात हो रही है। साधु ब्राह्मण और भक्त, इन तीनों का अपराध का एक ही फल है, तुम्हारे परिवार का नाश, सर्व विनाश होगा।
कई बार देर से होता है, कई बार जल्दी होता है, 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, 3 साल में, लास्ट टू लास्ट 13 ईयर्स। और जब तक समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भगवान के परिवारी जनों ने जब ऐसा हास्य विनोद उनसे किया, संत महात्माओं से, तो उन्होंने श्राप दे दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं जो भी जन्म लेगा तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा। डर गए और डर कर उसको पीसा और पीस कर उसको सागर में बहा दिया। सागर में बहाकर उसमें कण बचा था, वो पिस नहीं सका। उसको एक मछली ने निगल लिया, मछली को एक शिकारी ने निकाल लिया, उसको कील के आगे तीर के आगे लगा लिया उस कील को। और वो जो चूरा बहा था सागर में, वो बह बह के सागर की लहरों से वो आ गया यहां पर सागर के तट पर। वो एलका नाम की घास बन गई, बहुत पेनी घास। एक दिन सभी यदुवंशी मदरा पान करके उसी सागर के तट पर पहुंचे, और जब सागर के तट पर पहुंचे तो भ्रमित हो जाती है। और जब उसकी मति भ्रमित हो जाती है ना मेरे भाई बहन, तो फिर उसका कल्याण होना निश्चित नहीं, उसका बिना धीरे धीरे करके एक दूसरे पर वही घास उखाड़ उखाड़ कर मारने लगे। और जब एक दूसरे पर घास उठा उठा कर मारने लगे तो वो घास तलवार का काम करने लगी, एक दूसरे का सर काटने लगी। बहन मान ले गए बलराम जी को, आ जाओ आप पृथ्वी से अब प्रस्थान करो, शेष स्वरूप धारण करो। और श्री बलराम जी महाराज अपने बोलो बलराम जी महाराज की। अब कृष्ण कन्हैया स्वयं गोविंद एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। जिससे श्री कृष्ण ने भी अपने लिए मन बना लिया। उसी समय उद्धव और अर्जुन आए। अर्जुन ने पूछा, उद्धव ने पूछा, हे कृष्ण धर्मम किम शरणम गतः, अगर आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर इस धर्म का क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कर भागवत की शरण में बैठेगा, रक्षा में करूंगा, उसके मनोरथ सारे में पूर्ण करूंगा। भागवत ही श्री श्री कृष्ण ने दत्तात्रेय के एक बात ध्यान सुनना, मैं 24 गुरुओं की चर्चा करता हूं जिनका नाम है पिंगला वैश्य, एक वैश्य। वो वैश्य बड़ी सुंदर थी, बहुत धनवान थी, धनाढ्य थी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत धनाढ्य थी वो। फिर एक बार ध्यान से सुन ले, धनवान होना बड़ी बात नहीं, सुंदर कर्मवान होना, अच्छे भाग्यवान होना, यह बहुत बड़ी बात है। बुरे से बुरे लोगों पे भी पैसा हो सकता है, पिंगला बैस्या है इस पे भी पैसा। समझ गए होंगे उसका, इतनी सुंदर थी। इतनी सुंदर सब एक दिन धीरे धीरे उसकी जवानी ढलने लगी। समय बदलता गया, ये समय बहुत जल्दी बदलता है, किसी और का बहुत जल्दी। उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगी। अब वो काजल लगाती है तो वो काजल रंग नहीं दिखाता, अब वो लाली लगाती है तो वो लाली अब रंग नहीं दिखाती।
जवानों, अपने चेहरे पर अभिमान करने वालों, इसका भरोसा नहीं कब तक सुंदर रहेगा। ये जो यहां बैठे हैं ना, कुछ बुजुर्ग लोग, ये भी कभी जवान थे और ये भी हैंडसम और खूबसूरत ब्यूटीफुल लगा करते थे, लेकिन इनका समय, अब तुम इस सुंदरता को किस तरफ खींच के ले जाते हो ये तुम्हें डिसाइड करना है। एक वो सुंदरता जो कुछ समय बाद तुम्हें बदसूरत बना देगी, और एक वो सुंदरता भर तुम्हें सुंदर बनाए रखेगी, तुम्हें बदसूरत नहीं होने देगी। भगवान का भजन करने वाला तेज बना रहता है, और भोग भोगने वालों के चेहरे पे तेज कभी होता नहीं, उनकी शकल से ही पता लगता है कि वो कितने जो है संसार में डूबे हुए हैं। उनको पाउडर और क्रीम और लाली और तिलक और जिनकी जरूरत पड़ती है, फिर कई लोग तो खिंचवा खिंचवा के खींच दरांत ले ले दरांत फिर खींच दरांत, जानते हो आजकल तो दरांत की जगह चाकू ने ले ली, वो छील कट रहा है। ये पिंगला बहुत सुंदर थी, लेकिन वक्त बदला, अब ये इंतजार करती है कि कोई मुझे एक बार देख ले, लेकिन कोई इसे देखना पसंद नहीं करता, इसकी लोग बुराइयां करते हैं, लोग देखना पसंद नहीं करते, हीन दृष्टि से इसे देखते। एक दिन सुबह से शाम हो गई, किसी ने इसे देखा नहीं, और ये इतना रोई इतना रोई इतना रोई इतना रोई, और रो रो कर इसने बुरा हाल कर लिया, और ये अपने मन ही मन सोचने लगी, जितना मैं दुनिया के लिए सजी हूं, जितना मैं दुनिया के लिए सजी हूं, अगर एक भी दिन में अपने मोहन के लिए सज गई होती तो मेरा सजना काम आ जाता, मेरा सवरना काम आ जाता। वो दिन है पूरे जीवन भर फिर वो दुनिया के लिए नहीं सजी, फिर एवरीडे वो भगवान के लिए मोहन के लिए सजी, और ऐसी सजी कि वो भागवत की कथा में सज के रह गई। कितना सजी वो मोहन के लिए कि वो भागवत में सज गई। एक वैश्या की कथा भागवत में, दिल में ठेस लगती है, बात क्या है, लेकिन नहीं, वो वैश्या हमसे श्रेष्ठ थी, जब उसने सांवरे के लिए सजना शुरू किया तो फिर दुनिया को छोड़ दिया, और हमने सांवरे को छोड़ दिया इस दुनिया के पीछे। मेरे भाई इस दुनिया के पीछे कुछ ना रहेगा, यहां बातें रह जाएंगी, इस देश में तुम्हारे जाने के बाद कुछ नहीं रहेगा, तुम अच्छे थे या बुरे, सिर्फ ये बातें रह जाएंगी मेरे भाई बहन। मेरे जाने के बाद भी यहां कुछ नहीं होगा, आज के बाद सिर्फ लोग बातें करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा बोलते थे, कुछ कहेंगे पता नहीं क्या बोलते थे, कुछ लोग कहेंगे भाई बड़ा भयंकर बोलते थे। मेरे जाने के बाद भी यहां बातें होंगी, चर्चा होंगी, कोई अच्छी करेगा कोई बुरी करेगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, मेरी किसी भी बुरी चर्चा को मत करना, मेरी कोई चर्चा मत करना, अगर करना हो तो इस चर्चा में जो आपने कृष्ण की चर्चा सुनी है, मेरे गोविंद की चर्चा करना, मेरी चर्चा करके तो कुछ मिलने वाला नहीं, कृष्ण की चर्चा करके बहुत कुछ मिलेगा। चिंतन करना हो तो इस वैश्या के चरित्र का चिंतन करना कि इसने अपने जीवन को कैसे बदला, चिंतन करना हो तो परीक्षित का करना मेरे जाने के बाद मेरे भाई बहन, गोपियों के प्रेम का चिंतन करना मेरे जाने के बाद मेरे भाई बहन, चर्चा जरूर करना भागवत की, ऐसा किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया और स्वयं अंतर ध्यान हुए। इसके बाद कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजा, कलयुग के राजाओं का वर्णन वही जैसा हो रहा है एग्जैक्ट। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो लाखों करोड़ों के घोटाले, ये तो शुरुआत है, आगे देखना। अभी तो 10-20 साल तो भगवान ने चाहा तो हम भी रहेंगे, देख लेना कैसा समय आएगा। भागवत कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। कलयुग की उम्र है 432,000 वर्ष, सुन लीजिए ध्यान से, कलयुग की टोटल उम्र है 432,000 वर्ष। पहला चरण 108,000 वर्ष का है, दूसरा चरण 108,000 वर्ष का है, तीसरा चरण 108,000 वर्ष का है, चौथा चरण भी 108,000 वर्ष का है। पहले चरण में जीव की आयु 100 साल है, दूसरे चरण में जीव की आयु 25, चौथे में 12.5। घोर कलयुग होगा जब 9 वर्ष का बच्चा दादा और दादी बन जाएगा, हाइट चने के पेड़ के नीचे बैठ के छांव लिया करेगा, संबंध जैसे पशुओं को नहीं पता होता कि मेरी मां कौन है।
बेटी कौन है, वैसे ही मानवों को भी पता नहीं रहेगा कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरी बहन कौन है। जैसे पशुओं की औलाद होती है, वैसे मानवों की औलाद होने लग जाएगी। मतलब ये किसका क्या सुना रहा हूं मैं? श्री रामचरितमानस शांत होता है और जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन कर ईश्वर से प्रार्थना करें। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नियर रिठाला मोड, नई दिल्ली 110085, फोन नंबर 011-2705-2002, 0921-221014, फैक्स नंबर 011-2705-2003, वेबसाइट www.vsscity.com, ईमेल info@vsscity.com।